किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के शुगर मिल में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र खालसा ने मांग करते हुए कहा कि डोईवाला सोसाइटी को इंडेंट में प्राथमिकता दी जाए, जिससे किसान समय पर गेहूं की बुवाई कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मिल में किसानों के लिए कैंटीन और विश्राम गृह के साथ शौचालय की व्यवस्था भी की जाए और यार्ड को पक्का किया जाए। डोईवाला से संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जो पिछले दिनों एक सात सूत्रीय मांगों को लेकर के मिल को एक नोटिस दिया था, उस पर मिल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कि गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल था और किसानों को यहाँ जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी और अपने साधन लेके यहाँ गन्ना लेकर के आता है, उसके लिए बैठने की, आराम करने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है मिल की तरफ से, जो अन्य फैक्ट्रियों में की जाती है। इसी तरह की सात मांगे हैं जो कि अभी तक एक भी मांग नहीं मिल प्रशासन ने मानी है और उसी के आज इनके संज्ञान में लाने के लिए कि जो हमारे 30 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे अपना जो है अनिश्चितकाल धरना देंगे। पर को यहाँ पर सात सूत्रीय मांग का नोटिस दिया गया था जो उसको आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, उसमें यहाँ के प्रबंधक के द्वारा कोई भी संज्ञान में कोई कार्य नहीं लिया गया है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वार्ता करते हैं प्रबंधक द्वारा से, जो उन पे एक हफ्ते का समय ये किसान और दे रहा है। एक हफ्ते के बाद अगर इन पूरी मांग सात सूत्रीय मांगों पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो किसान 7 दिन के बाद यहाँ पर धरना रखने के लिए बाध्य होगा।